पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पिछले दिनों हुई नगर सैनिक की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग शामिल है। पैसे लेन देन के विवाद में हत्या की संगीन वारदात को अंजाम दिया गया था। 24 सितंबर की रात को नगर सैनिक की हत्या हुई थी। 24 तारीख की रात में जो होमगार्ड सैनिक रज्जू प्रसाद तिवारी, उम्र लगभग 54 ईयर्स, जो कि नवागढ़ थाने में पदस्थ था, उसकी हत्या के संबंध में मामला पंजीबद्ध हुआ था। और उसी समय से लेकर लगभग 48 आवर्स के विदिन पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाया है और सभी आरोपी, जो कि टोटल 6 आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। उनको आज ही रिमांड पर भेजा जा रहा है। ये जो पूरी मोटिव है वो इस तरह से क्लियर हुआ कि जो मृतक है उसके द्वारा ब्याज पर पैसा दिया जाता था, और जो मुख्य आरोपी है वो भी एक होमगार्ड का सैनिक है जो कि नवागढ़ थाने में ही पदस्थ था, और उसके ऊपर करीब 10 लाख के आसपास की लेनदारी, इसके बही खाते का जो हिसाब जब्त किया गया है उसमें दिखी है। जो पूरा घटनाक्रम है वो टावर डंप के माध्यम से उसकी गुत्थी सुलझी है, क्योंकि जो घटनास्थल था वहाँ पे हमें 2 मोबाइल्स एक्टिव मिले थे उस टाइम में, और वो जो मोबाइल्स थे उसमें जो 2 संदेही थे उसको उसी रात से उठा के और पूछताछ की जा रही थी। और उसके बाद जब ये बही खाता मिला, तब जो मुख्य आरोपी है उसी के बेटे का मोबाइल नंबर वहाँ पे एक्टिव पाया गया, तब इस आरोपी को भी बिठा के और कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने पूरी बात को स्वीकारा कि इसके हिसाब से करीब 1.5-2 लाख ही पैसा देना बाकी था, जबकि मृतक के द्वारा 10 लाख की मांग उससे वापस की जा रही थी। इसी बात को लेके इनकी काफ़ी समय से अनबन हो रही थी, और घटना दिनांक को ये दोनों एक साथ थाने से गणना के बाद निकले और एक जगह शराब भट्टी में बैठ के शराब पी, और उसके बाद जब मृतक अपने घर अमोरा के लिए निकल रहा था तो आरोपी जो मुख्य है उसने अपने बेटे को फ़ोन करके बताया कि यहाँ से निकल गया है, और घटनास्थल पर 5 व्यक्ति उसका इंतजार कर रहे थे, और वहीं पे इसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल भी घटनास्थल पे प्राप्त हुआ है। वहीं पे इसकी हत्या की गई है और बॉडी को छोड़ दिया गया है। और उसके बाद जो मुख्य आरोपी है जिसने इस पूरी घटनाक्रम को रचा, उसने वो भी घटनास्थल पे पहुंचा, और 3 लोग एक मोटरसाइकिल से और 3 लोग एक दूसरी मोटरसाइकिल से फिर वापस गए हैं। सभी मोटरसाइकिल्स को भी जब्त कर लिया गया है, और बाकी जो जितने भी सबूत हैं उसको हम लोग जब्त कर रहे हैं। आरोपी टोटल 6 हैं और सभी को गिरफ्तार करके आज ही रिमांड पर भेजा जा रहा है।